दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद आप फ्री अनलिमिटेड डेटा यूज कर पाएंगे, वो भी एक प्रीपेड सिम पर। जी हाँ, और एक ट्विस्ट की बात, जितने का रिचार्ज आप अभी कराते हैं ना, उतने में ही कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना इसके लिए आपको। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इससे बेटर तो पोस्टपेड है, पोस्टपेड में अनलिमिटेड मिलता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रीपेड के क्या फायदे हैं, प्रीपेड पोस्टपेड से क्यों बेटर है, इसमें डिफरेंस भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप एयरटेल, जियो, बीएसएनएल का सिम यूज करते हैं तो इनको यूज करना बंद कर दीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि इनमें आपको अनलिमिटेड डेटा नहीं मिलता। तो फिर मिलेगा कैसे? उसके लिए आपको बीआई पर आना होगा। बीआई आपके लिए कुछ बेनिफिट्स देता है जो कि और सिम और ऑपरेटर में आपको नहीं मिलते। वो क्या है? तीन बेनिफिट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा यूनिक है, लास्ट वाला सबसे ज्यादा बेस्ट है, जिसके लिए आप ये वीडियो देखने आए हैं। नंबर फर्स्ट, महीने में आपको दो बार डेटा मिलेगा, जो कि आप 1 GB, 1 GB करके दो बार महीने में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका डेटा जो 1.5 GB या फिर 2 GB आपके पैक के साथ मिलता है वो खत्म हो जाता है कभी दिन में, तो आप 1 GB डेटा एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं महीने में दो बार। नंबर टू, आप पूरे हफ्ते भर जितना भी डेटा यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, जो भी डेटा आप नहीं कर पाएंगे, किसी दिन काम में बिजी होते हैं, किसी दिन फोन नहीं चलाया, तो आपका डेटा जो भी बचेगा वो वीकेंड पर यानी कि सैटरडे और संडे को आपको मिल जाएगा। जी हाँ। नंबर थ्री, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, फ्री अनलिमिटेड डेटा, जिसके लिए आप वीडियो देखने आए हैं। रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, जो भी आप रिचार्ज प्लान कराएंगे बीआई की सिम में, तो उसके साथ आपको बीआई की सिम फ्री अनलिमिटेड डेटा देता है 12 से 6 बजे तक। कितना भी डेटा यूज करिएगा, खपत करिएगा, कुछ भी देखिएगा इनको मोड में। इसमें जो अनलिमिटेड डेटा मिलता है वो आपको 300 रुपए से ऊपर के रिचार्ज अगर कोई भी कराते हैं बीआई के सिम में, उसमें सभी में लगभग देखने को मिलता है। लेकिन करने से पहले आप जरूर चेक करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑफर्स भी हैं 300 के ऊपर भी जिनमें आपको नहीं मिलता है। तो आप जब रिचार्ज करने जा रहे हो तो चेक जरूर करिएगा ये चीज। और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन फ्री मिलते हैं आपको बहुत सारे रिचार्ज के साथ और फ्री अनलिमिटेड डेटा के साथ, ठीक है। तो बीआई की सिम की यूज करने के ये सारे फायदे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि एयरटेल, जियो, बीएसएनएल का सिम यूज करना आप बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, उनके भी कुछ अलग फायदे हैं अपने, लेकिन डेटा के मामले में बीआई इज बेस्ट। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि बीआई की सिम की स्पीड जो है वो हर जगह आपको देखने को नहीं मिलती, मतलब जिस तरीके से होने चाहिए और ऑपरेटर की जितना मतलब मैनेज करके चलते हैं ये इतना मैनेज नहीं कर पाता। तो आप अपने एरिया में चेक जरूर कर लीजिएगा अगर आप स्विच करने का सोच रहे हैं तो, ठीक है। क्या कह रहा है एयरटेल जियो वाले, गाली दे रहे हैं? अच्छा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही बंद कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन बीआई के क्या फायदे हैं वो मैंने बता दिया, उनके भी अलग बेनिफिट्स हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पोस्टपेड यूज कर ले इससे अच्छा, तो उसमें भी अनलिमिटेड मिलता है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले ये बता दूं कि प्रीपेड और पोस्टपेड में अंतर क्या है। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्री मतलब पहला, पोस्ट मतलब बाद में, यानी कि प्रीपेड में आपको पेमेंट होता है टेलीकॉम कंपनी को पहले करना होता है, यानी कि रिचार्ज आपको पहले करना होता है। पोस्टपेड में जो होता है वो मंथली बिल आता है आपको, जितना आपने यूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग बिल आएगा और वो आपको पेमेंट करना होगा मंथ एंड पर, ठीक है। ये मेन डिफरेंस होता है पोस्टपेड और प्रीपेड में, और कोई मेन खास डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो अब बात करेंगे पोस्टपेड अनलिमिटेड की। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि सबसे ज्यादा यूजर्स, मेजोरिटी ऑफ यूजर्स की है वो प्रीपेड की ज्यादा है। तो टेलीकॉम कंपनी का मेन फोकस प्रीपेड यूजर्स पर ज्यादा रहता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा पोस्टपेड पर नहीं रहता, रहता है, लेकिन प्रीपेड पर ज्यादा रहता है। मतलब कंपेयर करिएगा, पोस्टपेड का 701 रुपए का जो रिचार्ज है या फिर 1101, उसमें अनलिमिटेड मिलता है। 701 वन मंथ के लिए होता है, तो 701 यानी कि अप्रोक्स 720 में से 3 महीने का रिचार्ज हो जाएगा प्रीपेड में। क्योंकि एक नॉर्मल यूजर्स के लिए ये सारी बेनिफिट्स नहीं होते जो कि पोस्टपेड में आपको मिलता है। देखिए, 701 रुपए में आपको वन मंथ का मिलेगा, लेकिन हालांकि जो और बेनिफिट्स हैं जैसे कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, अमेजन प्राइम सब्सक्रिप्शन है, और भी कई सारे हैं जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको पोस्टपेड की सिम पर मिलते हैं। लेकिन प्रीपेड के एक अलग ही फायदे हैं, ठीक है, और जो कि हर कोई यूज करता है, हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। एक सैलरी पर्सन के लिए सही है पोस्टपेड, लेकिन प्रीपेड नॉर्मल यूजर के लिए बेस्ट है। और पोस्टपेड का बिल आपके यूजेस के हिसाब से आता है कि आप मंथ में जितना यूज करेंगे उसके हिसाब से मंथली बिल जनरेट होगा, उस पर पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 701 का या फिर जो भी प्लान उन्होंने बना रखे वो रिचार्ज करेंगे तो उसके हिसाब से आप उतना ही यूज करेंगे। बहुत सारे लोगों का, मैं जब रिसर्च कर रहा था इस पर, तो बहुत सारे लोगों का सवाल देखे मैंने, बहुत सारी वीडियोज के नीचे कमेंट देखे कि अगर हम पोस्टपेड का बिल अगर ना पे कर पाए या फिर लेट हो जाए तो क्या होगा। पता नहीं क्यों पूछ रहे, क्यों जानने, क्यों उन्हें पे नहीं करना। लेकिन आपको बता दूं कि देखिए, 3 महीने तक तो पोस्टपेड जो ऑपरेटर होगा, जो भी टेलीकॉम कंपनी है, वो आपको वार्निंग देगी या फिर कोई भी नोटिस दे सकती है, ठीक है। लेकिन 3 महीने के बाद वो ब्लॉक लिस्टेड कर देंगे उस नंबर को, ब्लैक लिस्टेड में डाल देंगे, यानी कि उस नंबर को आप कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में, ठीक है। और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत डाउन हो जाएगा, जिससे कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाएंगे, लोन में दिक्कत होगी, और भी कई सारे
होते हैं क्रेडिट स्कोर से आप समझ पाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा, आपको लीगल एक्शन भी हो सकता है आपके ऊपर, तो ये घाटे हो सकते हैं आपको अगर बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो। तो मुझे उम्मीद है कि आप पोस्टपेड और प्रीपेड में अंतर समझ पाए होंगे। फ्री अनलिमिटेड डेटा का यूज करिएगा, आप कौन सा प्रेफर करेंगे, कौन सा सिम बेस्ट है, आप ये यूज करते हैं नहीं करते हैं, और आपको पता था नहीं पता था कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।